दोस्तों, आपकी राशिफल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपको आज का पंचांग विस्तार से जानने को मिलेगा। आज का संपूर्ण पंचांग हम जानेंगे। इससे पहले हम सभी मिलकर एक बार उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे शनि देव की कृपा से आपकी जीवन की सारी बाधाओं का अंत हो। साथ ही जिनका आज मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको शिव और माता पार्वती की तरह आप लोगों की जोड़ी बनी रहे। अब साथ में जो लोग इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप लोगों की मंगलमय की कामना भगवान श्री गणेश से करता हूँ। चलिए मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का पूरा पंचांग के बारे में। 31 अगस्त 2024 पंचांग। पंचांग से जानिए प्रदोष व्रत पूजा का समय, राहुकाल, अभिचित मुहूर्त और चांद निकलने का समय। 31 अगस्त 2024 का दैनिक पंचांग। आज का पंचांग 31 अगस्त 2024 को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर वारियन योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:57 पौने 1 मिनट तक रहेगा। राहुकाल सुबह 9:10 पौने 11 मिनट तक रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में मौजूद रहेंगे। 31 अगस्त 2024 पंचांग। पंचांग अनुसार 31 अगस्त को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। क्योंकि ये व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है इसलिए ये शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। जानिए प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 31 अगस्त 2024 पंचांग। इस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत पूजा के लिए शाम का समय सबसे शुभ माना जाता है। जब ये व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो इसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। पंचांग से जानिए शनि प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त, प्रदोष काल समय और राहुकाल टाइम। सितंबर में जन्मे लोगों में होती हैं ऐसी खूबियां जिससे हर कोई हो जाता है इनका मुरीद। प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त 31 अगस्त को प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:43 से 8:59 बजे तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 1 सितंबर की सुबह 3:40 बजे तक रहेगी। 31 अगस्त 2024 पंचांग। संवत पिंगला विक्रम संवत 2081 माह भाद्रपद कृष्ण पक्ष तिथि त्रयोदशी व्रत व पर्व प्रदोष व्रत दिवस शनिवार सूर्योदय सुबह के 5:47 सूर्यास्त शाम के 6:47 नक्षत्र पुष्य शाम के 7:38 तक फिर आश्लेषा चंद्र राशि कर्क सूर्य राशि सिंह करण गरज दोपहर के 3 तज तत्पश्चात वनेज योग वरियान शाम के 5:35 तक फिर परेग। 31 अगस्त 2024 शुभ मुहूर्त अभिजीत सुबह के 11:52 से दोपहर के 12:37 विजय मुहूर्त दोपहर के 2:20 से दोपहर के 3:26 तक गोधूरी मुहूर्त शाम के 6:28 से शाम के 7:23 तक ब्रह्म मुहूर्त 4:06 से सुबह के 5:07 तक अमृतकाल सुबह के 6:05 से 07:53 तक निशीतकाल मुहूर्त रात्रि 11:51 से 12:43 तक रात संध्या पूजन शाम के 6:21 से शाम के 7:06 तक दिशाशूल पूर्व दिशा इस दिशा में यात्रा से बचें। दिशाशूल के दिन उस दिशा की यात्रा करने से बचते हैं। यदि आवश्यक है तो एक दिन पहले प्रस्थान निकालकर फिर उसको लेकर यात्रा करें। 31 अगस्त 2024 राहुकाल समय 09:00 से 10:30 तक। क्या करें क्या ना करें आज प्रदोष का महान व्रत है। श्री शिव जी की उपासना का पवित्र दिवस है। परम पिता शंकर जी की उपासना व प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक करने से कई जन्म के पापों का नाश होता है। किसी भी ग्रह जनित कष्ट का उपाय भी इस व्रत से कर सकते हैं। आज अन्न तिल व वस्त्र का दान करें। आचरण शुद्ध हो। खान पान पर ध्यान दें। सात्विक रहें। श्री शिव नाम जप व रुद्राभिषेक करें। पूर्व जन्म के पापों के शमन के लिए प्रदोष बहुत पवित्र तिथि है।
श्री शिव पुराण का पाठ करें। किसी को भी मन वचन व कर्म से कष्ट मत दें। मित्रों, अभी तक आपने जाना कि आज का पंचांग क्या है। पंचांग के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आगे दे रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। आखिर में हमें पंचांग क्यों देखना चाहिए? पंचांग क्या होता है? पंचांग ज्योतिष के 5 अंगों का मेल है, जिसमें तिथि, वार, करण, योग और नक्षत्र का जिक्र होता है। हर दिन की तिथि का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा में भेद के आधार पर होता है और पंचांग के आधार पर हर दिन के शुभ अशुभ समय का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर अपने काम को आसान बनाते हैं। आज का पंचांग में तिथि, पक्ष, माह, नक्षत्र भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हर एक शुभ कार्य के लिए अलग अलग नक्षत्र होता है। सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय के कुछ पहर पहले तक ही एक तिथि मानी जाती। चंद्रमा का स्थान, जिस दिन चंद्रमा जिस स्थान पर होता है उस दिन वही नक्षत्र और राशि मानी जाती है। चंद्रमा एक राशि में 2.5 दिन तक रहते हैं। तिथि वार च नक्षत्र योग करणमे च पंचांगस्य फल श्रुत्वा गंगा स्नान फल लभेत। आदिकाल में ही इस श्लोक के माध्यम से पंचांग को परिभाषित किया है। तिथि पंचांग का पहला अंग तिथि है, जो 16 है। इनमें पूर्णिमा और अमावस्या दो प्रमुख तिथियां हैं, जो दो पक्षों का निर्धारण करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों तिथि माह में एक बार आती है। नक्षत्र नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन एक मुहूर्त अभिजीत नक्षत्र है जो शादी विवाह के समय देखा जाता है। इसे मिलाकर 28 नक्षत्र भी कहे जाते हैं। योग 27 होते हैं। मनुष्य के जीवन में योग का बहुत महत्व है। करण 11 होते हैं। 4 स्थिर व 7 परिवर्तनशील है। वार सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो रविवार से शुरू, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार पर खत्म होते हैं। पंचांग के 5 अंग। तिथि, हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां दो पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र, आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृच्छिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभेषा नक्षत्र, पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार, वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग, नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगन, सुकर्मा, धृति, शूर, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बप, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किसुभ। विष्टिकरण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं।
हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण है। यहाँ हम दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहुकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रह की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष आदि की जानकारी देते हैं। पंचांग के 5 अंग। तिथि, हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वह तिथि कहलाती है। एक माह में 30 तिथियां होती हैं और ये तिथियां 2 पक्षों में विभाजित होती हैं। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। तिथि के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। नक्षत्र, आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। इसमें 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। 27 नक्षत्रों के नाम अश्विन नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। वार, वार का आशय दिन से है। एक सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। योग, नक्षत्र की भांति योग भी 27 प्रकार के होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगण, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यातिपात, वर्यान, परिघ, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैधृति। करण, एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल 11 करण होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वनिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तोघ्न। विष्टि करण को भद्रा कहते हैं और भद्रा में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ज्योतिष के सभी अलर्ट्स और ट्रेंडिंग खबरों के लिए आपकी राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने किसी भी विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से संपर्क करें। आपका दिन शुभ हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।